व्यू है हमारा, बहुत सुंदर है यार, है ना, बहुत प्यारा लग रहा है। भाई वर्थ इट था हाइक, मजा आ गया, बहुत सुंदर था व्यू पॉइंट, है ना। हमने सोचा नहीं था कि हम करेंगे आज, बट हमने सही डिसीजन लिया और कर लिया ना हाइक, और सही टाइम पे कर लिया। बारिश शुरू हो गई, बारिश भी शुरू हो गई हल्की हल्की, पेड़ों कारण ना अंदर आ नहीं रही इतनी बारिश, है ना। हाँ। वहां पर तेज थी, हाँ दिख रही है बारिश, पता नहीं दिख रही है या नहीं, दिख रही होगी, बट हल्की हल्की सी हो रही है, इतनी तेज नहीं है। लो जी 18 मिनट में हमने कर ली है पूरी हाइक खत्म, नीचे आने की टोटल टाइम कितना लगा हमें, 1 घंटे में कर ली हमने हाइक, फुर्ती मारी वैसे हमने बहुत, चलो अच्छा है। अभी तो हो गई है ख़त्म, अभी लोग कनोइंग करनी स्टार्ट कर दिया ना उन्होंने, ये देखें कनोइंग कर रहे हैं सर लोग, क्या रेट है कनोइंग का देखें। अब तो हाई कर ली, अभी हिम्मत नहीं है, अडल्ट है $75, ड्यूरेशन 90 मिनट्स की है, बट यार वर्थ इट होती वैसे, अब कनोइंग भी करते तो क्यों, मज़ा आता, बट चलो हाइक कर ली, हाइक भी अच्छी थी, मज़ा आया। चले जी इसी के साथ हमारा ट्रिप होता है ख़त्म, अभी हम चलेंगे वापस कैलगरी, कैलगरी से थोड़ा सा सामान लेंगे, खाने को कुछ उठाएंगे और अपने शहर चल पड़ेंगे, रात तक पहुंच जाएंगे 9 बजे तक, है ना। चलो बट ओवरऑल बहुत अच्छा रहा ट्रिप, 4 दिन का था और रश बढ़ गया है, चलो चले बाय फ्रॉम लेक लुइस। बस सबसे ज़्यादा दुख वही लगा हमें, $21 जो पे कर पार्किंग के, टाइप $10 ले लो, $21। पारी पारी करके गया है, ऐसा लग रहा पता नहीं क्या जा रहा है ना, बट मस्त लग रहा है। सेकंड के अंदर अंदर दे बिल्कुल ड्राई है, पीछे देखा पीछे कितनी बारिश थी, ट्रक देखा था कितना उड़ा के जा रहा था पानी, अभी देख बिल्कुल ड्राई, ऊपर भी एक साइड बादल है, एक साइड धूप है फिर बादल है, इधर सारे ये बादल है, हाँ। इधर बादल नहीं, इधर धूप है, बट मस्त व्यू आ रहा है, हर साइड में पहाड़ है।
आगे बिल्कुल साथ ही दिल्ली है लाइक कितना रफ फर्क है, एक तरफ ड्राई है एक तरफ वेट है पूरा। पैचेस बने हुए हैं ड्राई पे ड्राई और गिल्ली के ना। क्या मस्त व्यू है ये, मेरे ख्याल साइकिल ट्रेल और वो दोनों जा रहे हैं ना अपना, क्या कहते हैं रोड है मेन, बट बहुत सुंदर है यार। बस एक छोटा सा स्टॉप मारा है फिर से 5 मिनट के लिए, बस व्यू देखने के लिए रुके हैं। आप तो सारा लिखा है। अच्छा हाइट लिखी है इन्होंने ना मेरे ख्याल से। इवन बेस इन ग्रंडल, ये पता नहीं क्या और क्यों जो भी है, फ्रेंच इतनी आती नहीं अच्छे से। हेलो भाई, हेलो, क्या हाल है? कुछ नहीं मिलेगा तुझे खाने को है, कुछ नहीं। यो वो देखो है ना सामने, यहाँ पर देख ऊपर बादल है और वहां परछावा है ना उसका, लाइक यहाँ से पता चलता है कितना बड़ा एरिया है ना, कि यहाँ पर क्लाउड है और परछावा भी पूरा उसका दिख रहा है एग्जैक्टली कहाँ पर है। जिन लोगों को परछावे का मीनिंग नहीं पता उसका मतलब है छांव, बादल की छांव। चलो जी अपना रेस्टोरेंट आ गया पिकअप के लिए। खोलना दरवाजा। बस ये सब्जी लेने आए हैं, उसके साथ थोड़ी सी मिठाई भी ले लेंगे अब। वाह सारा ही देसी है इधर, पूरा ही देसी कमा। द चाय बार भी आए थे, वधिया बनाया यार। ये बारिश कहाँ से आ गई? पता नहीं। बादल कहाँ से हैं? कहाँ पर है बादल? इतने से बादल हैं, इसमें से बारिश आ रही है। और ये क्या हो रहा है? अभी धूप थी इतनी, एकदम से बारिश। छोटू सा बादल है ऊपर, बिल्कुल सिर के ऊपर। छोटा सा बादल है बस। यार वो ही सोचो तो बारिश। सड़क जा ही जा रही है सीधी जा ही जा रही, तू बड़ बड़ येलो हो गई कलर उड़ गया सड़क का। भाई ट्रेन ने हमारा पीछा नहीं छोड़ा, जाते टाइम भी मिल रही है अभी आते टाइम भी मिल रही है, अभी तो बहुत पीछे तक है। ओह 10 मिनट लग रहा है वेस्ट करेगी यार। चलो अभी क्या कर सकते हैं, वेट ही करनी पड़ेगी। सेम स्पॉट सेम जगह, सारे रेलवे स्टेशन खाली थे, यही रेलवे क्रॉसिंग थोड़ी, बट ये वाला तो होना ही था। ओ, देखते हैं कितना टाइम लगता है।